पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेडी, वन, टू, वन, टू, थ्री, फोर। ये दास्तां है बहुत ही जबरदस्त संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद की। सबसे पहला गाना रिकॉर्डेड हुआ था हमारा, एक गाना जो हरिहरन साहब ने गाया था, तो इस तरीके से एल्बम हुई थी, इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। इन दोनों भाइयों ने ही बचपन से ही संगीत का माहौल देखा। इनके वालिद शराफत अली खान एक बहुत ही अजीम तबला वादक रहे। इन दोनों की शुरुआत हुई दरअसल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। अमूमन सूफी संगीत के साथ इनका नाम जोड़ा गया। साजिद वाजिद ने सबसे पहले सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में संगीत दिया था। हालांकि इन्होंने सोनू निगम की एक प्राइवेट एल्बम दीवाना का संगीत भी दिया था जो बड़ा मकबूल हुआ। So, that's how साजिद वाजिद started. ये लोग अलग अलग फिल्मों का संगीत देते रहे, लेकिन जो संगीत इन्होंने सलमान खान की फिल्मों के लिए दिया वो वाकई बड़ा मकबूल हुआ। रियलिटी शो सारे गामा पा, सिंगिंग सुपरस्टार के ये जज भी रहे। साजिद और वाजिद में वाजिद छोटे भाई रहे, वो खुद एक बड़े जबरदस्त प्लेबैक सिंगर भी थे। कई फिल्मों के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी। सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, तो उस हिसाब से फिर वो शुरू हुआ एंड देन पार्टनर के अंदर आई स्टार्टेड सिंगिंग। दबंग में बनाए गए इनके गाने बहुत ही मशहूर हुए। के पहली फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, दबंग बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। एक वो वक्त भी आया जब एक ही फिल्म में अलग अलग संगीतकार काम कर रहे थे, दूसरे संगीतकारों का नाम हुआ, लेकिन साथ ही इनका नाम भी चोटी पर पहुंच गया। ये लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार से करते हैं, दे मेक यू फील लाइक अ किंग, यू नो। ये दोनों बतौर संगीतकार ही काम नहीं करते रहे, बल्कि कई फिल्मों में इन्होंने बतौर गीतकार भी काम किया और बैकग्राउंड संगीत भी दिया, चाहे वो फिल्म वेलकम रही या फिर पागलपन थी। साजिद वाजिद की जोड़ी ने बहुत कम समय में वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत सी संगीतकार जोड़ियां करती हैं। इन्हें कई मर्तबा अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसा बताया गया कि वाजिद खान का ब्याह सन 2003 में हुआ था। वाजिद खान की शरीका हयात मरियम आसिफ सिद्दीकी। इस शादी से उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। इन दोनों की कजन बहन हैं अभिनेत्री सलमा आगा। साजिद वाजिद ने मात्र 7-8 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू किया था। इनके दादा जान उस्ताद अब्दुल लतीफ खान भी बड़े अजीम साजिंदे थे और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने गाने भी किए थे काफी, लेकिन तो ही वाज सच अ बिग म्यूजिशियन। इन दोनों की जोड़ी वाकई कमाल कर रही थी। ऐसा भी बताया गया बड़े भाई साजिद की शरीक हयात लुबना ने अपनी किडनी डोनेट करी थी वाजिद खान को। हालांकि किडनी ट्रांसप्लांट तो अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे इन्फेक्शन ने इन्हें पकड़ लिया। ये भी बताया गया कि उन्हें कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिस वजह से मात्र 42 साल की उम्र में वाजिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई साजिद के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह खबर एक बहुत बड़े दुख का बायस बनकर आई। साजिद वाजिद की जोड़ी टूट जरूर गई, इस जोड़ी को इनके संगीत के लिए सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। साजिद वाजिद के संगीत को हमारा सलाम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।